जय हिंद फ्रेंड्स, मैं एक्सपर्ट आलोक कुमार आपके यूट्यूब चैनल एनसीसी सर्टिफिकेट एग्जाम्स एबीसी में वेलकम है। आइए फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर जो एनसीसी सी सर्टिफिकेट और बी सर्टिफिकेट में बार बार रिपीट होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का स्टार्टिंग करने से पहले आज एक नेट थॉट्स के साथ स्टार्ट करते हैं। आज का नेट थॉट्स फ्रेंड्स ये है कि अपने अगर आपके हालातों को लगता है कि आप नहीं चेंज कर सकते तो अपनी हैबिट्स को चेंज कर लीजिए, और आपके हैबिट्स चेंज होने से आपके हालात ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगे। तो ये फ्रेंड देखते हैं, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज बीटन जोन, बीटन जोन किसे कहते हैं। उसके बाद अगला देखते हैं हेल्थ एंड हाइजीन से रिलेटेड फ्रेंड्स, ये 25 नंबर में खाली स्थान को पूरा करो, ठीक है। तो डैश और डैश प्रदूषित जल को कारण है, तो डैश एंड डैश कॉज आर वाटर पोल्यूशन, तो क्या कारण है बताना है आपको। डैश एंड डैश दो प्रकार के मांसपेशियाँ होती हैं, तो डैश एंड डैश आर टू टाइप्स ऑफ मसल्स, कौन कौन से होती हैं बताना है। नींबू संतरा और आंवला में विटामिन डैश की प्रचुर मात्रा होती है, तो विटामिन सी की होती है। लेमन ऑरेंज एंड आंवला हैव एविडेंस ऑफ द विटामिन्स। अच्छा आगे देखते हैं, मस्तिष्क शरीर की क्रियाओं को डैश और डैश करता है, तो ब्रेन एंड डैश ऑल बॉडी ऑफ फंक्शन। मनुष्य शरीर में डैश हड्डियाँ होती हैं, तो ह्यूमन बॉडी हैज नंबर ऑफ बोन्स, तो आपको पता होगा फ्रेंड्स कितनी होती हैं। अगले क्वेश्चन को चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, फिल इन द ब्लैंक्स। रोलिंग ऑफ एन एरोप्लेन इज कॉज्ड बाय डैश, रोलिंग वायुयान में डैश के सहारे होता है, तो किसके सहारे होता है आपको कमेंट करके बताना है। वेलोसिटी इज डैश इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, गति है किसी डैश किसी विशेष दिशा में। एंगल ऑफ अटैक इज एंगल बिटवीन द डैश एंड द डैश इन रिस्पेक्ट द प्लेस ऑफ द एयरक्राफ्ट। डैश और डैश के बीच में एंगल का एंगल ऑफ द अटैक होता है। अच्छा, लिटरली स्टेबिलिटी डैश विथ इंक्रीज डिसेस एंगल्स, ऊंचाई डैश के साधन तापमान में डैश लेंस रेट कहते हैं। विद द इंक्रीजेस इन एंगल ऑफ अटैक द लिफ्ट डैश स्टाइलिंग ऑफ अटैक, एंगल ऑफ अटैक को बढ़ने से लिफ्ट डैश स्टाइलिंग एंगल ऑफ अटैक तक। आगे चलते हैं, एक्सप्लेन द फ्लोविंग, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है आपको बताना है। फिर उसका मास यानी न्यूटन का प्रथम गतिमान गति का नियम क्या है, मास के बारे में लिखना है आपको। द्रव्यमान यानी मोशन के बारे में लिखना है, ठीक है, सॉरी मास मतलब द्रव्यमान, मोशन यानी गति के बारे में लिखना है। आगे चलते हैं, ये हमने पढ़ लिया है, ठीक है ऑलरेडी। अगले क्वेश्चन के चलते हैं, फ्रेंड द ब्लैंक देखिए फ्रेंड, डैश इज फॉर मेकिंग द सरफेस एयर प्रूफ, समतल को वायु में सही बनाने में डैश काम आता है, आपको बताना है। चेक गाइड गेट्स इज ट्रस्ट बाय डैश, एक ग्लाइड स्वयं को एयर थ्रस्ट को डैश द्वारा पता करता है। स्टेलिंग कैन बी करेक्ट बाय एडिंग डैश ऑन डैश, डैश के ऊपर डैश जोड़कर स्टेलिंग को संबोधित करते हैं, और बताना कैसे। अरे देखिए एयरक्राफ्ट पर्टिकुलर्स देखिए, बोइंग 737 इज अ डैश एयरक्राफ्ट क्या है, बोइंग 737 एक डैश वायुयान है, कौन सा बताना आपको। IL-76 हैज़ द डैश टर्बो फैन इंजन, IL-76 में डैश टर्बो फैन इंजन होते हैं, कौन सा होता बताना आपको। LSC स्टैंड फॉर डैश, LSC का पूर्ण नाम क्या है डैश है। SU-29 इज अ डैश एयरक्राफ्ट, SU-29 इज डैश हवाई जहाज है। MiG-21 इज अ डैश एयरक्राफ्ट है, MiG-21 इज डैश हवाई जहाज है, उसके बारे में आपको बताना फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन को चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, डैश एयरक्राफ्ट प्लेड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन द 99 कारगिल वॉर, 99 में कारगिल युद्ध के दौरान डैश वायुयान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, कौन सी थी आपको बताना है। नेशनल इमरजेंसी वॉच प्रोक्लेम्ड ड्यूरिंग 1970 वॉर बाई प्रेसिडेंट डैश किसके द्वारा था। 1971 युद्ध के दौरान राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति डैश ने की थी, कौन थे उस समय राष्ट्रपति आपको बताना है। विच ऑल एयरक्राफ्ट वॉर यूज ड्यूरिंग 1999 कारगिल वॉर, ठीक है, 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान प्रयुक्त होने वाले जहाजों के नाम लिखें, कौन कौन से हैं आपको बताना है। आगे चलते हैं, राइट द वेरियस फाइट इंस्ट्रूमेंट फिटेड इन एयरक्राफ्ट, वायुयान में लगे हुए विविध उड़ान उपकरणों के नाम लिखिए, तो कौन कौन से होते हैं वो बताना है फ्रेंड्स कमेंट करके। अगला क्वेश्चन देखिए, डिफाइन आपको मतलब परिभाषित करना, डिफाइन करना है ASI, तो मैं बता दूँ, चलो एक क्वेश्चन बता देता हूँ। ASI का मतलब होता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका आर्टिफिशियल होरिजेंटल, आपको इसके बारे में बताना है लिखना है। देखिए 7 नंबर में नेविगेशन, डिफाइन द फ्लोइंग मेडिटेशन, मेरिडियन क्या होता है, आइसोग्राम्स क्या होता है।
राइट द डेफिनेशन ऑफ ग्रेट सर्कल, ग्रेट सर्कल की परिभाषा लिखो। मेट्रोलॉजी में देखिए फ्रेंड, स्ट्रेट ट्रू एंड फॉल्स, मिक्सचर ऑफ रेन एंड स्नो कॉल्ड स्ट्रेट बर्फ मिश्रण को रिलेट कहते हैं। विजिबिलिटी ऑफ द मिस्ट ऑफ इस 2000 एंड 3000 मीटर्स में मीटर की दृश्यता होती है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट हैज डैश मैन कंट्रोल सरफेस, एक परंपरा जहाज में डैश ग्राउंड कंट्रोल सरफेस होते हैं। दे आर टू मेन टाइप्स ऑफ ब्रेकेस, डैश एंड डैश, ब्रेक के दो मुख्य प्रकार हैं और ये डैश और डैश होते हैं। रोटेशन ऑफ टायर ओवर द व्हील्स ड्रम इज कॉल्ड डैश, व्हील ड्रम के ऊपर अकेले टायर को घूमने को डैश कहते हैं। राइट द टाइप ऑफ अंडर कैरिंग एनी थ्री एयरमैनशिप, देखिए फ्रेंड्स राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ एयरमैनशिप, एयरमैनशिप के महत्व को लिखिए। डिफाइन द फोर्स लैंडिंग एंड मेजर कॉजेस ऑफ फोर्स लीडिंग, फोर्स लीडिंग को प्रभावित करें इसके कारण बताएं। क्लासीफाई टू मैन ग्रुप्स ऑफ सर्वाइवल, सर्वाइवल के दो मुख्य ग्रुप का विवरण कीजिए। आइए चलते अगले क्वेश्चन के फ्रेंड्स। जल सेना सॉरी थल सेना, जल सेना, वायु सेना के बारे में लिखना है, इसके रैंक के बारे में लिखना है। तो कौन कौन से रैंक होते हैं, जैसे कि इसमें लेफ्टिनेंट दे रखा है, एडमिरल दे रखा है, स्क्वाड लीडर दे रखा है, तो तीनों टॉप जो टॉप रैंक होते हैं उसके बारे में लिखना है आपको। राइट द नेम्स ऑफ रैंक ऑफ द फ्लॉविंग होल्डिंग द फ्लॉविंग, भारत के निम्नलिखित प्रमुख नियुक्तियों के द्वारा किसके देखे जाते हैं, डीजी एनसीसी डायरेक्टरेट कौन है आपको पता होना चाहिए, उप महानिदेशक एनसीसी कौन है, सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस कौन होता है तो भारत का राष्ट्रपति होता है, चीफ ऑफ एयर स्टाफ प्रेजेंट में कौन है तो आपको पता होना चाहिए। इसका नेम ऑफ टू फाइटर एयरक्राफ्ट यूज इन इंडियन एयरफोर्स, जो अभी वर्तमान में दो एयरफोर्स का नाम मतलब एयरक्राफ्ट का नाम लिखना है जो यूज़ हो रहा है एयरफोर्स में। उसके बाद फ्रेंड्स आगे देखें एरो इंजिनिक्स, देखें डिफाइन द फ्लोइंग, हीट इंजन के बारे में आपको डिफाइन करना है, लुब्रिकेशन को आपको डिफाइन करना है, कार्बोरेटर को डिफाइन करना है और जनरेटर को आपको डिफाइन करना है। राइट मेन कंपनीज ऑफ एन एरो इंजन, एरो इंजन के मुख्य भागों के नाम लिखिए। अगले क्वेश्चन चलते थे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना इनफ है, जय हिंद जय भारत। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और ये नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, ये स्पेशली उन एनसीसी कैडेट के लिए था जो एनसीसी एयर विंग्स हैं, ठीक है। तो जय हिंद जय भारत, एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।